हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ। और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, चैप्टर इसका नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सी द क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एनईपी आर 17 एंड 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर दियर एंड व्हाट इज दियर सम। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म 17 है, ठीक है, डे 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 लास्ट टर्म का वैल्यू जितना है 350 है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 17 से लेके 350 तक में कितना नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि उस नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, पहला टर्म्स क्या है, ए इक्वल टू 17, दैट इज फर्स्ट टर्म। एंड ए एंड लास्ट टर्म्स इसको ऐसे ए एन बी से भी डिनोट करते हैं और एल से भी डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 350, ठीक है। और डी इक्वल टू कितना दिया है, 9। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कितना नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ना पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन इक्वेशंस 1। तो ए एन का वैल्यू कितना है, ए एन का 350 इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है, 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, 9। अब इसको इक्वेट करते हैं, 350 इक्वल टू 17 प्लस 9 एन माइनस 9, 350 इक्वल टू 17, और 17 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा, दैट इज 8, 8 प्लस 9 एन, ठीक है। अब देखिए एन टर्म्स को एक साइड पे रखते हैं, तो 350 माइनस 8 इक्वल टू 9 एन, ठीक है। देखिए 9 एन इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, 342 लिख सकते हैं ना। तो इससे हम क्या एन का वैल्यू निकल जाएगा, एन इक्वल टू 342 और डिवाइडेड बाय 9। तो क्या हो गया, 9 3 जा 20, 9 3 जा 27, 28 9 8 जा 72। तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 38। मतलब 17 से लेके 350 तक कितना टर्म्स है, 38 टर्म्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि व्हाट इज दियर सम, मतलब क्या कि S38 का हमको सम निकालना है। तो हमको पता है S38 का क्या हो गया, 38/2, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या, 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 9। देखिए हमको पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही उसी में इसी फॉर्मूला में एन का फर्स्ट टर्म्स का कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पुट कर दिए, तो S38 का वैल्यू निकालने वाला है। S38 इक्वल कितना हो गया, ये देखिए 2 1 जै 2, 2 9 जै 18, तो 19, 17 इंटू 30, दैट इज 34 प्लस 38 माइनस 1, दैट इज 37 इंटू 9, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करते हैं, कितना गया, 19 इंटू 34, 34 प्लस 7 9 जै 6 3, है तो 6 9 जै 27 28 29 30 31 32 33। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 19 इंटू 7 6 3 कितना हो गया, 367। 19 को 367 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, सम ऑफ S38 टर्म्स का 6973। ये मेरा सम ऑफ 38 टर्म्स का ये वैल्यू निकल गया। तो क्वेश्चंस में दो पार्ट पूछा था, पहला पार्ट पूछा था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, और सेकंड पार्ट पूछा था कि सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 6973। नाउ दिस आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।